और नहीं खाओगे? पूरा फिनिश करो बेटा, जाओ वॉशरूम जाओ, टाइम हो रहा है स्कूल के लिए। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो मैं अभी सुबह सुबह की चाय ले रही हूँ। चाय लेने के बाद आज लक्ष्य जो है वो 6:30 उठ गया था, तो ब्रश वगैरह तो उसने कर लिया। ब्रश करने के बाद अपना एप्पल खा रहा है, वॉशरूम जाएगा। लक्ष्य के वैसे एग्ज़ाम चल रहे हैं FA3, यहाँ हर महीने एग्ज़ाम होते हैं भाई। तो चलो मॉर्निंग का रेस्ट भी हो गया चाय पीते पीते, अब बनाते हैं सुबह का ब्रेकफास्ट। आज सुबह के ब्रेकफास्ट में मैं क्या बना रही हूँ, आज बना रही हूँ मैं मेथी के परौठे, और लक्ष्य के लिए मैं बनाऊँगी पालक की रोटी रखूँगी इसको स्कूल के लिए। अब बेटा फिनिश करो इसको, मैं नहीं खाऊँगी अब, मैंने तो चाय ली है, थोड़ा सा रह रहा है, फिनिश करो उसको और जाओ वॉशरूम जाओ, मम्मा भी जा रही है अपनी तैयारी करे। तो चलो चलते हैं अपने किचन की तरफ, क्योंकि 7:10 हो गए हैं। लक्ष्य अब वॉशरूम जाएगा, उसके बाद नहाएगा, फिर रेडी हो जाएगा स्कूल के लिए। तब तक मैं ब्रेकफास्ट रेडी कर देती हूँ। और हैदराबाद की बात करूँ, मौसम की बात करूँ, तो मौसम इतना ख़राब हो रहा है, 3 दिन हो गए हैं लगातार बारिश होते 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 होते, तभी आज कपड़े भी अंदर ही सुखा रखे हैं। और दिनों में तो दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब बारिश होती है ना, जब बड़ी दिक्कत हो जाती है। एक तो सूखता नहीं है, 3-4 दिन से तो हम कहीं बाहर भी नहीं गए, जब से बारिश हो रही है तब से गए भी नहीं है बाहर। चलो फिर चलते हैं किचन में। लक्ष्मी रेडी हो गया, और ये देखो मेरे परोठे भी रेडी हो गए। MINDS Minds अच्छे से करके आना, जो भी है तैयारी तो खूब कराई है, मार्क्स कम आए तो देख लेना फिर तू, पिटाई करूंगी तेरी डंडे से, डंडे वाली पिटाई है। डंडा देख ले वो रखा हुआ है, डंडा डंडे वाली पिटाई कौन सी होती है पता नहीं, एक बार खाएगा जब पता चल जाएगा। बुक्स लेकर आना बेटा, कल इंग्लिश का है और कंप्यूटर का है। हाँ नहीं, इंग्लिश का जीके का है ना, कंप्यूटर का तो होता नहीं शायद। हाँ आज के ब्रेकफास्ट में मैंने बनाए मेथी के और प्याज के पराठे। लक्ष्य और जैसा कि मैंने बताया कि लक्ष्य और उसकी दादी तो रोटी खाती है, तो मैंने स्टफिंग रोटी के लिए बना दी थी, तो वो दोनों को दोनों ने खा लिया। लक्ष्य का लंच भी पैक हो गया है, अब उसका टाइम, लक्ष्य का टाइम।
मुझे इस टाइप की रोटी पसंद नहीं है, मेरे को तो भाई पराठी पसंद है, तो मैं पराठे ही खाती हूँ। बोलो हेलो, सही से बोलो, जबरदस्ती 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 मेरी रोटी रख दी, बोले मैंने वहां पे पैक हो रखा है ना, सब कुछ रख दिया। सब कुछ कर दिया है मैंने। लक्ष्य अब गया है स्कूल और सवा आठ हो गए हैं। लक्ष्य स्कूल गए हैं और मैं भी अपने पेंडिंग काम खत्म कर लेती हूँ। मेरे एक या दो परौंठे रह रहे हैं, वो बना के रखती हूँ, फिर मैं भी खाना खा के और काम फिनिश करती हूँ। ये देखो मौसम अभी भी कितना ख़राब हो रखा है, आज फिर भी थोड़ा सा उजाला सा लग रहा है, लेकिन और दिनों की बात करूँ, अगर लास्ट 2-3 डेज़ की मैं बात करूँ तो बिल्कुल अंधेरा ही हो रखा था, कोई वो ही नहीं था। और पूजा तो ऑलमोस्ट मैं पहले कर ही लेती हूँ, आप सबको पता है, खाना बनाने से पहले, लक्ष्य को स्कूल भेजने से पहले, तो मैं पूजा तो चाय पीने से पहले ही कर लेती हूँ। तो मैंने आज सुबह सुबह अपना जो है ब्लॉग पूजा से शुरू नहीं किया है, आज मैंने सीधा चाय पीते हुए ही ब्लॉग बनाया था, तो इसीलिए मैं दिखा रही हूँ कि मैं पूजा पहले ही कर चुकी हूँ। तो एनीवे चलते हैं फिर, इतना सा और थोड़ा सा मेरा मसाला रह रहा है, इसको और बना देती हूँ, फिर फिनिश हो जाता है। ये देखो मेरा परौंठा बन रहा है इसमें, उसके बाद मैं भी खा के अपने और काम करती हूँ। हे गाइस, गुड आफ्टरनून, दोपहर के टाइम हो गया है, 4 बजने जा रहे हैं ऑलमोस्ट, और मैंने तो सब्जी भी चढ़ा दी है क्योंकि लक्ष्य का आने का टाइम हो गया है। आज तो मुझे दोपहर को इतनी नींद आ गई, पता ही नहीं 12 बजे से लेके 5 बजे तक जो मैं सोई हूँ, आज तो कमाल ही हो गया है। काम खत्म करके ही मुझे इतनी नींद आई है ना, गहरी नींद आई है। एक तो ठंडा मौसम हो गया है, फिर ठंडे मौसम में नींद आ ही जाती है, मेरी भी गलती नहीं है भाई। काम वाम खत्म करके लाइट थी नहीं तो मैं भी सो गई फिर। स्कूल से आने का टाइम हो गया है, चलो ऑलमोस्ट मेरे किचन के काम खत्म हो गए हैं, ऑलमोस्ट क्या सब्जी चढ़ा दी है, बाद में सिर्फ आटा आटा मुझे भूनना है, तो वो और काम करेंगे बाद में, क्योंकि 5 o'clock लक्ष्य को नीचे ले ही जाना है। आप लोग मेरे ब्लॉग देख रहे हो तो आपको पता है कि मेरा सुबह 5:30 से 7:30 तक का क्या रूटीन रहता है, क्योंकि 7:30 बजे लक्ष्य को रात में सुलाना होता है पढ़ा के, कभी पढ़ा देती हूँ, दिन में पढ़ा दिया तो रात में नहीं पढ़ाती हूँ, एक टाइम जरूर उसको स्कूल से आने के बाद पढ़ाती हूँ। अच्छी बात तो ये है कि वो स्कूल से आने के बाद ही अपना होमवर्क वगैरह कंप्लीट कर लेता है, अभी तक आगे क्या उसका दिमाग रहेगा मुझे भी नहीं मालूम। तो बच्चों का जो दिमाग है ना वो बदलता रहता है, कभी रात पे शुरू हो जाएंगे तो कभी सुबह स्कूल से आने के बाद ही सबसे पहले मुझे होमवर्क करता है। तो चलो भाई होमवर्क कर लो, अच्छी बात है, मेरे लिए भी अच्छा है, कई बार उसको घुमा कर लेकर आओ फिर मैं भी टायर्ड हो जाती हूँ, फिर गर्म ही गर्म बनाती हूँ और साथ में सब्जी भी गर्म कर लेते हैं, क्योंकि सब्जी भी ये इस टाइम पे मैं रेडी कर देती हूँ ना, सब्जी हो या दाल हो, तो
बजे तक खाते खाते थोड़ा ठंडा तो हो ही जाता है। हालांकि ये कुकर इतनी जल्दी ठंडा करने वाले हैं नहीं, इसमें गर्म ही रहता है, तो भी थोड़ा बहुत आजकल ठंडा मौसम है हो जाता है। तो फिर मैं इसमें थोड़ा हल्का फुल्का गर्म कर देती हूँ, चपातियाँ गर्म गर्म होती हैं तो इतना वो प्रॉब्लम नहीं आती है। अदरवाइज सर्दियों में ठंडा खाना बिल्कुल पसंद नहीं आता। एनीवेज की मासी आई थी, मासी आई, मैं ब्लॉग भी नहीं बना पाई उसका क्योंकि वो आई 1 घंटे के लिए थी। उसमें भी उसका मुझे इतना गुस्सा चढ़ा हुआ था ना कि मैं 10 तारीख से कह रही थी मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ, आ रही हूँ, आ रही हूँ, आई है 14 की शाम को, 1 घंटे के लिए रुकी है। फिर वो उसको उसकी एक फ्रेंड और आई हुई थी साथ में, उसको फिर नादेड़ जाना था, नादेड़ से उसकी आज कल की टिकट है दिल्ली की, कल वो वापस जाएगी। इसलिए फिर मैंने भी ज्यादा ब्लॉगिंग तो कर ही नहीं पाई उस दिन। मैं एक तो उसका सुबह से 7 बजे से कह रही थी कि मैं 7 बजे आ रही हूँ, आ रही हूँ, आ रही हूँ, रात भी नहीं, शाम के 6:30 बजे वो आई है मेरे पास। 6:30 खाना वाना खाया है, उसके बाद 6:30 8 बजे वो यहाँ से चले गए, 8 साढ़े 8 बजे वो लोग यहाँ से चले गए हैं। मैं जितना शादी में मिली थी, जो मैंने ब्लॉग बनाया था, बस उतना ही, और उसके बाद 1 घंटे के लिए वो घर पर आई है। एनीवे मुझे इतना वो नहीं है कि भाई वो मेरे पास रुकी नहीं, क्योंकि हैदराबाद आई थी, फर्स्ट टाइम था उसका, फ्रेंड्स के साथ आई थी, घूमने के लिए आई थी, तो अपना घूम ही जी भर के, इतना पैसा लगा के भी आओ फिर घूमो नहीं तो उसका फायदा नहीं ना। और फिर फ्रेंड्स के पास, और अब फ्रेंड्स के पास रहने में, और फिर मेरे लिए एक परेशानी ये भी थी ना कि मैं नहीं जा सकती थी, लक्ष्य के एग्जाम चल रहे थे, तो ये भी अच्छा हुआ कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ ही रुकी है, फ्रेंड्स के साथ ही अपना घूमी फिरी, खूब एंजॉय किया है उसने हैदराबाद आके। हाँ, मैंने लड्डू के लिए 2 ड्रेस मंगवाई थी, मैं दिखाती हूँ। मैंने लड्डू के लिए 2 ड्रेस मंगवाई थी, है तो वुलन की, क्योंकि दिल्ली में तो इस टाइम पे ठंड हो जाती है ना, लड्डू गोपाल के लिए तो इसी टाइप के ड्रेसेस पहनाते हैं। तो मैंने यहाँ पर भी अभी बीच में जब बारिश हुई थी तब ठंड हो गई थी, तो मैंने लड्डू के लिए 2 ड्रेस मंगवाई थी, मेरे पास वूलन नहीं थी और यहाँ तो मिलती नहीं है वूलन, तो ये 2 ड्रेस उससे मैंने लड्डू गोपाल की मंगवाई थी अपने। अब इतनी ठंड नहीं है, हाँ कभी भी पड़ जाएगी ठंड तो ड्रेसेस तो होनी चाहिए, अभी 2 ही मंगवा ली हैं, बाकी कॉटन की तो मेरे पास काफ़ी रहती है, कॉटन की तो मैं मंगवाती रहती हूँ, मम्मी जब भी जाती हैं मैं भी जाती हूँ, तो लड्डू के कॉटन की नेट की जो भी डिज़ाइंस की ड्रेसेस अवेलेबल होती हैं वो मैं ले आती हूँ लड्डू की। हाँ, इस बार मैंने वूलन की उसकी मासी से ज़रूर मंगवाई है, तो कमेंट में ज़रूर बताना कि मेरे लड्डू गोपाल के कपड़े कैसे लगे, वूलन कपड़े जो उसके पास हाल फिलहाल नहीं थे, मैं नहीं लेकर आई थी क्योंकि मेरा जब जाना होता है तब शायद ये अवेलेबल नहीं होते हैं, ऐसे कपड़े अवेलेबल नहीं होते हैं तो कॉटन के ही मिलते हैं ज़्यादातर, इसीलिए मैं उसके लिए लेकर भी नहीं आती थी। और फिर हैदराबाद में इतनी ठंड भी नहीं पड़ती जो मैं उसके लिए लेकर आऊँ, और इतनी यहाँ तो कभी कभार जैसे बरसात के दिन हो गए कभी कभार ठंड आती है, जब लगता है हाँ थोड़ा सा बुलंद होना चाहिए, तो उसके लिए मैंने 2 ड्रेस मंगवा लिए हैं। एनीवे 4 बज गए हैं, चलो लक्ष्य का वेट करते हैं। देख गया था तो मुझे कैसे है, मैं लक्ष्य कैसे हीरो बन के जाता, कैसे बन कर आया, देखो देखो इसकी हालत, देखो इसकी, ये देखो। हे गाइस, देखो लक्ष्य 5:30 बजे नीचे आ गया, देखो अब 6:30, आज तो खैर 6:30 तक तो नहीं, इसको लेके जाना है मुझे डॉक्टर के पास, इसको खांसी हो रही है फिर से। हाँ, तो थोड़ी देर खेल खिलाती हूँ, 15 से 20 मिनट, उसके बाद 6 बजे डॉक्टर आ जाता है इसका, तो उसके इसको फिर मैं डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगी, इसको इतनी खांसी होती है ना, एक बार खांसी उठे तो फिर बंद ही नहीं होती है कितना। खैर लक्ष्य को हम होम्योपैथिक का ही इलाज दिला रहे हैं, एलोपैथिक में तो नहीं जा रहे हैं क्योंकि वो इसको नुकसान भी करेगी, इसीलिए हम होम्योपैथिक ही दिला रहे हैं इसको।
अब ये थोड़ी देर ये साइकिलिंग करेगा, उसके बाद सीधा डॉक्टर के पास। इसको मौसम चेंज होने के बाद ना थोड़ा बहुत यानी कि डॉक्टर के दर्शन करना इसके लिए ज़रूरी हो जाता है। जब तक डॉक्टर के दर्शन नहीं करेगा तब तक खांसी ठीक नहीं होगी। दर्शन होते ही खांसी ठीक हो जाएगी इसकी। हे गाइस, तो देखो अब हम आ गए हैं लक्ष के क्लिनिक, इसकी खांसी डॉक्टर के पास, शाम को क्लिनिक। तो ये देखो लक्ष की शरारतें देखो यहाँ पर भी चल रही हैं। हे गाइस, तो देखो लक्ष को लेकर मैं अब घर जा रही हूँ, लक्ष्य को लेके मैं अब घर जा रही हूँ। और वही है, मौसम की वजह से थोड़ा सा डॉक्टर भी कह रहे थे कि खांसी जुकाम चल ही रहा है बच्चों को, तो अभी 3 दिन की दवाइयाँ दी हैं, 3 दिन की दवाई दी है लक्ष्य को। थोड़ा आगे चल, स्लो स्लो, भागना नहीं है, चलता रोड है। 3 दिन के बाद फिर बताना है। वही डॉक्टर भी यही कह रहे हैं कि अभी छोटे बच्चे हैं ना, ये कफ को निकाल नहीं पाते हैं, दूध कफ बनाता है। अब बच्चों को दूध तो देना ज़रूरी होता है ना, दूध इनका बंद कर नहीं सकते हैं। और लक्ष्य तो प्लेन दूध ही पीना पसंद करता है, ये वो दूध पीना भी नहीं पसंद करता कि भाई मैं उसमें बॉर्नविटा डाल दूँ या हॉर्लिक्स डाल दूँ, वो भी नहीं पीता है ये नालायक है। बोलो क्यों नहीं पीते, इधर फेस करके। हाँ तो अब हम जा रहे हैं लक्ष्य और मैं, अब हम जा रहे हैं घर, खाना खाएंगे और खाना खा के ये खुल खुल हो रही है, खाना खा के अब आराम करेंगे। तो आज का ब्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।